नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी 600 लोगों की फरियाद। अधिकारियों को हिदायत देते हुए दिए दो टुक निर्देश। कहा, प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में ना हो कोई कोताही। दिसंबर को चाकू से वार कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों मनोज और पार्वती शाहनी को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सूरज जायसवाल ने कुसमेही बाजार में किया फायरिंग। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। खोराबार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी का बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंटों से पैसे ले लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों योगेंद्र कुमार और संजय के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने दी जानकारी। शहर के विभिन्न रैन बसेरों के निरीक्षण के उपरांत सीएम योगी के दिए निर्देश के उपरांत मंगलवार को गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। रैन बसेरों की व्यवस्था मिली चुस्त एवं दुरुस्त। जलता मिला अलाव। रैन बसेरों में रहने वाले राहगीरों ने कहा, गेस्ट हाउस जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ के रैन बसेरों में। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बिक्री करने वाले गैंग के तीन अभियुक्तों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क के दोनों पटरियों एवं बीच के डिवाइडर पर ठेले, खोमचे एवं दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। ठेलों को करवाया गया जब्त। 11,200 रुपए का वसूला जुर्माना। कहा, आइंदा डिवाइडर पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध के लिए किया जा रहा है प्रेरित, जिससे शोध संबंधी कार्यों को मिले बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। फरियादियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ आए नौनिहालों के प्रति स्नेह अनुराग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सहज कार्यशैली सबको अपना मुरीद बना लेती है। हर बार की तरह मंगलवार को भी सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। फरियादियों की भीड़ में एक एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, उसे महसूस किया और समस्या के त्वरित निराकरण का निर्देश अधिकारियों को दिया। अफसरों को हिदायत देते हुए दो चूक कहा, प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो चरणों में करीब 600 लोगों की समस्याएं सुनी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देशित किया कि हर मामले का निस्तारण संतुष्टिपरक होना चाहिए, ताकि कोई भी फरियादी परेशान ना हो। एक फरियादी ने सीएम को बताया कि कुछ लोग घर से लड़के को बुलाकर ले गए थे, 4 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने फरियादी को आश्वस्त किया कि वह चिंता मत करे, कार्रवाई कराकर न्याय दिलाएंगे। उन्होंने एसएसपी को उसका प्रार्थना पत्र देते हुए त्वरित एक्शन लेने का निर्देश दिया। एक महिला ने बैंक में रुपया जमा होने के बाद भी बैंक से जमा संबंधी कागज ना मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि रुपया जमा हुआ है तो जमा का कागज दिलाया जाए या महिला का रुपया बैंक से वापस कराया जाए। जनता दर्शन में कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर आदि मौजूद रहे। जनता दर्शन में अपनी माताओं के साथ आए नन्हे मुन्ने बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार, दुलार व आशीर्वाद मिला। उन्होंने बच्चों का हालचाल पूछा, पढ़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें चॉकलेट गिफ्ट किया। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आने के पूर्व गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। भ्रमण करते हुए
गौशाला पहुंचे और गो सेवा की। गायों बछड़ों को चना और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो प्रेम और गो सेवा के लिए विख्यात हैं। गो वंश के प्रति उनके स्नेह का असर यह है कि उनकी एक आवाज पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला के गो वंश दौड़े चले आते हैं। मंगलवार सुबह मंदिर की गौशाला में जैसे ही योगी ने गौरी श्यामा का नाम लेकर आवाज दी, गाय व बछड़े झूमते हुए उनके पास आ गए। योगी ने सभी गोवंश को अपने हाथों से गुड़ चना खिलाकर दुलार किया। गोलू और उसने एक लड़के से और 9 तारीख को घर के बगल में लाश मिली। इसको साफ केस कार्रवाई नहीं हुई, पैसा लीजिए कुछ नहीं, चल हम कार्रवाई करें, चिंता मत करें, हम कार्रवाई करेंगे। बेलीपार थाने की पुलिस ने चाकू से वार कर हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र स्वर्गीय भोला निवासी ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, दूसरा पार्वती साहनी पत्नी संतोष साहनी निवासीगढ़ ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि सोमवार को बेलीपार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाकी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलीपार थाना प्रभारी इकरार अहमद, उपनिरीक्षक आनंद कुमार, कांस्टेबल मनीष गुप्ता, उपेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल निष्ठा, सुमन, ज्योति चौबे शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, दिनांक 19/12/22 के सायंकाल थाना क्षेत्र बेलीपार के गांव जुड़ापुर में राहुल यादव नामक व्यक्ति को उसके विरोधियों ने चाकू मार दिया। तत्काल इसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। राहुल के छोटे भाई रोहित की तहरीर पर थाना बेलीपार पर हत्या का अभियोग 7 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त मनोज निषाद और पार्वती निषाद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस की टीमें सर्विलांस, एसओजी और स्वाट के साथ साथ
लगातार अन्य अभियुक्तों के यहाँ दबिश दे रही हैं। गांव में पुलिस बल तैनात है, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्र के कुसमेही बाजार में सूरज जायसवाल ने रविवार को फायरिंग करके दहशत फैलाने का प्रयास किया, जिसके संबंध में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि सूरज जायसवाल नाम के व्यक्ति ने कुसमी बाजार में हर्ष फायरिंग करके दहशत फैलाने का प्रयास किया। मामला जमीनी विवाद में पैसों के लेन देन का पता चला है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। धगहा थाने की पुलिस ने फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंट से पैसे लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी साउथ तरुण कुमार सिंह ने बताया कि गगहा थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान योगेंद्र कुमार पुत्र राम रूप निवासी लखड़ी सहरुआ थाना गगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम लखेड़ी सहरुआ थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर योगेंद्र कुमार अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन फर्जी कूट रचित धोखाधड़ी कर एफडी बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंट से पैसे लेना व गबन करने जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र का कहा जनपद गोरखपुर में दो व्यक्ति तमाम लोगों को कम समय में धन दुगुना कर देने का प्रलोभन देकर के उनसे पैसा इन्वेस्ट करा रहे थे और काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद वो लेकर के फरार हो गए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और अभियोग दर्ज किया। विवेचना से ये आरोप प्रमाणित पाए गए और उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। आगे छानबीन में पाया गया कि एक संगठित गिरोह है। इस आधार पर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के इनके विरुद्ध आज गगहा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। इस अभियोग की विवेचना के साथ साथ अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति की जानकारी करके उस संपत्ति की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की कराई जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी 600 लोगों की फरियाद, अधिकारियों को हिदायत देते हुए दिए दो टुक निर्देश, कहा प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में ना हो कोई कोताही। दिसंबर को चाकू से वार कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों मनोज और पार्वती शाहनी को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सूरज जायसवाल ने कुसमेही बाजार में किया फायरिंग। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का, खोराबार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज कर रही है, आगे की विधिक कार्यवाही। फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी का बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंटों से पैसे ले लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों योगेंद्र कुमार और संजय के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने दी जानकारी। शहर के विभिन्न रैन बसेरों के निरीक्षण के उपरांत सीएम योगी के दिए निर्देश के उपरांत मंगलवार को गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। रैन बसेरों की व्यवस्था मिली चुस्त एवं दुरुस्त, जलता मिला अलाव। रैन बसेरों में रहने वाले राहगीरों ने कहा गेस्ट हाउस जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ के रैन बसेरों में। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बिक्री करने वाले गैंग के तीन अभियुक्तों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क
के दोनों पटरियों एवं बीच के डिवाइडर पर ठेले खोमचे एवं दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। ठेलों को करवाया गया जब्त। 11,200 रुपए का वसूला जुर्माना। कहा, आइंदा डिवाइडर पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध के लिए किया जा रहा है प्रेरित, जिससे शोध संबंधी कार्यों को मिले बढ़ावा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोमवार की रात शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण कर कंबल वितरण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करें, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोने पाए तथा अलाव की व्यवस्था की जाए, जिसकी रियलिटी चेक करने के लिए गोरखपुर न्यूज की टीम मंगलवार को कचहरी एवं रेलवे स्टेशन के रैन बसेरों पर पहुंची तो सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। रैन बसेरों के संचालकों ने बताया कि यहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था ठीक है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। जितने भी राहगीर थे उन सभी से हालचाल लिया और पूछा कि रहने सोने और नहाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। वही बरेली के रहने वाले राहगीर विनोद पवार दो दिनों से रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने हमसे पूछा कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई कैसी रहती है और हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि हमेशा गोरखपुर आना जाना होता है, पहले गेस्ट हाउस में रुकते थे लेकिन गेस्ट हाउस जैसी सुविधा रैन बसेरा में मिल जाती है तो अब यहीं पर रुकना होता है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में सोने के साथ साथ अलाव की व्यवस्था रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैन बसेरा में रहने वाले राहगीरों तथा रैन बसेरा के संचालकों जितेंद्र झा एवं अशोक कुमार सिंह ने कहा, मेरा नाम नीतीश योगी हुआ, मैं पूर्वी चंपारण से आया हूँ। किस काम से आए? बस ऐसे ही यहाँ पे आए थे, क्या बोलते हैं, मतलब पर्सनली तो कल मेरा मुंडन है, मैं नाथ पंथ को मानता हूँ, कल मेरा मुंडन समारोह। कैसा, क्या व्यवस्था यहाँ? अच्छा, और आज इत्तेफाक से स्वामी जी से मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा। कल मेरा मुंडन भी है। भैया से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत अच्छा व्यवहार है, कोऑपरेशन भी अच्छा है और कोई पैसा वैसा का कोई डिमांड ये वो सब कुछ नहीं, और सारा फैसिलिटी यहाँ अच्छा है, साफ सुथरा है। और इत्तेफाक से आज स्वामी जी भी यहाँ भ्रमण में आए थे तो हम लोग उधर बाहर में ही थे और कल मेरा मुंडन है यहीं पर, तो बस ऐसे ही रुके हैं। और कल गोरखनाथ मंदिर में मैं भी नाथ पंथ को मानता हूँ, मैं भी योगी हूँ। जी, विनोद पवार। कहाँ से आए? बरेली से आया हूँ। किस काम? मेरा यहाँ जेई का मेडिकल होना था और उसकी प्रोसेसिंग के लिए आया था मैं। कितने दिन से रुके हुए हैं? ये अभी दूसरा दिन है मेरा। कल आप रुके होंगे तो आप कल मुख्यमंत्री यहाँ आए थे? जी, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछा कि यहाँ कोई असुविधा तो नहीं है और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है प्रॉपर तरीके से कि नहीं रखा जाता, और आपको कोई अगर असुविधा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना है कहीं तो वो थोड़ा सजेशन दे सकते हैं आप। तो हाल चाल पूछा और कहाँ से किस पर्पज़ से आए ये पूछा,
और पूछा कि यहाँ के केयर टेकर वगैरह क्या मेंटेन रखते हैं, चीज़ें नहीं रखते, तो उसको हमने बताया कि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले भी आया था तो मैंने यहाँ थोड़ा देखा। पहले मैं गेस्ट हाउस में रुकता था तो वहाँ पे भी ज़्यादा करना पड़ता था और ऊपर से फिर इतनी फैसिलिटी वो होती नहीं थी। गेस्ट हाउस से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है। जी जी, सफाई के मामले में सफाई भी अच्छा है, यहाँ मेंटेनेंस भी अच्छा है और रहने की व्यवस्था भी ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने दूसरी बार मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, मेरे साथ के दोस्त पहले रह चुके थे तो उन्होंने इन्फॉर्म किया, फिर मैंने यहाँ केयर टेकर साहब से बात की, उन्होंने कहा अगर कोई आपका कोई फ्रेंड वगैरह एग्ज़ाम देने आता है तो उसको रेफ़र कर दीजिए, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और उसका ट्रैवल या वैसा रहने का भी वो हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। रैन बसेरा रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 गोरखपुर। मंत्री आए थे? जी आए, निरीक्षण करने किए, जितने भी रहने वाले यहाँ बैठे थे सभी से पूछे कहाँ से आए हैं, किस काम से आए हैं, सभी ने बताया और बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। नहीं हमसे नहीं, जहाँ रुकने वाले से बात किया, बस किसी तरह का आप लोगों का असुविधा है नहाने धोने का, गर्म ठंडा पानी आ रहा कि नहीं, हाँ ये बेड बिस्तर में कोई कंप्लेन है या आपसे किसी तरह का व्यवहार कोई गलत किया जाता है, ये सारे पूछें। सभी खुश थे, सभी ने बहुत बढ़िया कुछ दिया भी उन्होंने, हाँ खाना मिला, बच्चे को चॉकलेट टॉफी वगैरह मिला। क्या कल मुख्यमंत्री आने पे व्यवस्था ठीक थी, आज क्या व्यवस्था? जैसे व्यवस्था कल थी वैसे आज भी है, बिल्कुल। अलाव कैसे चल रहा है यहाँ पे? अलाव चल रहा है आज कितना, 4 बजे हो गया। अशोक कुमार सिंह। कौन सा रन बसेरा है ये? कटहरी रन बसेरा। कल मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने? हाँ। तो क्या सारी सुविधाएं यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध थी, कोई कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी भी खुश होके गए यहाँ से। कुछ कहा भी उन्होंने आपसे? नहीं कहा, और लोगों से जो लोग सोए थे सबसे पूछे कि सभी ने यही कहा कि कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए हुए थे, व्यवस्था टाइट था? हाँ व्यवस्था सही था। कल के बाद आज कैसे? आज भी ठीक है। ठीक है, कोई आया था आज अधिकारी यहाँ? नहीं कोई नहीं आया था। अलाव को क्या स्थिति है? अलाव जल रहा है, लकड़ी गिरी है? हाँ लकड़ी गिरी है। और बाकी किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं, कुछ नहीं। खजनी थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने वाले 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि खजनी पुलिस ने 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी ग्राम बेलडाट थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा सोवेंद्र यादव पुत्र कपिल यादव निवासी बेलडाट थाना खजनी जनपद गोरखपुर, तीसरा राजेश भगत पुत्र किरण भगत निवासी तान थाना कुंडू जिला लोहरदग्गा झारखंड हाल पता AKS मार्का ईट भट्टा बेलडार थाना खजनी गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर जितेंद्र सिंह अपने गैंग के सदस्य के साथ सुसंगठित गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु खजनी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने का कार्य करते थे। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना खजनी पुलिस को विगत दिनों अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली थी, जिसमें 3 सदस्य थे। इनके विरुद्ध विवेचना से आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पूर्व में भी इस गिरोह का आपराधिक इतिहास था, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के आज थाना खजनी पुलिस ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग दर्ज किया है। ये अपमिश्रित शराब बनाने का एक संगठित गिरोह है। आगे इस अभियोग में जो अभियुक्त हैं इनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी कर इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी।
नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम द्वारा यातायात तिराहा से रैन बसेरा के आगे तक सड़क के दोनों पटरियों एवं बीच के डिवाइडर पर ठेले खोमचे एवं दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर निगम द्वारा डिवाइडर पर अतिक्रमण कर ठेला आदि लगाने के कारण दुकानदारों का ठेला जब्त कर नगर निगम के स्टोर में रखवा दिया गया। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ बने नालों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने एवं आसपास गंदगी फैलाने के कारण दुकानों से 11,200 रुपए का जुर्माना वसूलते हुए सख्त निर्देश दिया गया कि अगर आइंदा से किसी भी दुकानदार द्वारा सड़क एवं डिवाइडर पर अतिक्रमण करके दुकान लगाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं पूर्व निदेशक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में शोध पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित किया जा रहा है ताकि भविष्य में शोध संबंधी को बढ़ावा मिले। शोध के विषय का चुनाव करते समय विद्यार्थियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता को समझाते हुए उन्होंने समझाया कि चुनाव से लेकर सिद्धांत निर्माण तक शोध के विविध चरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। शोध प्ररचना, उपकल्पना निर्माण, समग्र का चयन, सूचनाओं के संकलन की प्रविधि, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के समुचित प्रयोग आदि विविध पक्षों पर सम्यक प्रकाश डाला। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के प्रभारी प्रोफेसर विवेकानंद शुक्ला, विभागीय शिक्षक डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सरिता सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर इंद्रेश पांडे, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा सहित समाजशास्त्र विभाग के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, लेकिन फिर भी मैं इस सभागार में अपने विभाग की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर इंद्रेश पांडे जी, डॉक्टर विवेक शाही जी, डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी जी, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा जी, डॉक्टर निधि राय जी एवं अन्य सभी शिक्षक बंधुओं का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे आप बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, बहुत हमारा सम्मान करते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रिय विद्यार्थी जिनके बिना हम अधूरे हैं और जो बहुत अनुशासन से यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं, कल से बहुत उत्साहित हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। जो पहले शिक्षा व्यवस्था थी हमारे यहाँ, जो ईयरली सिस्टम चल रहा था, उसमें पीजी के बच्चों के लिए ये जो प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन का पेपर है ये वैकल्पिक हुआ करता था। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई उसके हिसाब से जब सिलेबस चेंज हुआ तो पीजी के बच्चों के लिए ये डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट का जो पेपर है उसको कंपल्सरी कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसको बनाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हालांकि हम लोग अपने बच्चों को विद्यार्थियों को बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी जो रिसर्च मेथडोलॉजी से सीधी तरीके से जुड़ी हुई थी, इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि मैं किसी बहुत अच्छे वक्ता से, किसी बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञ से आपको रूबरू कराऊँ और आप उसके विषय में और जानकारी हासिल करें। तो सब में मैम से पढ़ा हुआ है और यही पेपर मैम पढ़ाती थी, जिनकी क्लास में आप ही की तरह ऐसे हम लोग बैठे रहते थे, ये भी क्लास मिस नहीं करते थे। तो मुझे लगा है कि इस कार्यशाला के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े या डिसर्टेशन से जुड़े जो भी अहम मुद्दे हैं उस पर मैडम आज आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका सहयोग करने के लिए हम लोगों ने मैडम को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर रचना सिंह मैडम, मैं स्वयं यहाँ हमारे कॉलेज के प्राध्यापक सुनील सिंह जी, हम सभी लोग आदरणीय मैं वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा की दृष्टि से बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी गई हैं। इस संदर्भ में सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पर शोध के कार्य भी किए जाएं, यानी छात्र छात्राओं को न केवल किताबी शिक्षा दी जाए बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाए ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें समाज में अपने को अभियोजित करने में, एडजस्ट करने में कोई समस्या ना हो। इसी को ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट असाइनमेंट डिसर्टेशन यानी लघु शोध जिसे कहते हैं, इन सब की तरफ सरकार का ध्यान गया है और यह इच्छा है कि बच्चे अपने क्षेत्र में रह करके जिसे कहते हैं कि एक्शन रिसर्च का काम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के प्रारूप में, पाठ्यक्रम में बहुत परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन का एक क्षेत्र जो है शोध पर विशेष बल देना है। महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के तरफ से शोध प्रविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक दिवसीय आज कार्यशाला है और जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष रही प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी विषय विशेषज्ञ के रूप में आई हुई हैं। उनका मार्गदर्शन विषय केंद्रित विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और महाविद्यालय के शिक्षकों सबको मिलेगा। इससे किस प्रकार से हम अपने शोध को आगे बढ़ाएं, शोध प्रस्ताव कैसे तैयार करें, शोध परिकल्पना में किन बातों का ध्यान रखा जाए, शोध करने में कौन कौन सी प्रविधियों को हम अपनाएं, अपने रिसर्च फाइंडिंग को किस तरह से हम समाज के लिए उपयोगी बनाएं, इन सारी बातों को ध्यान के कि शोध की सामाजिक उपादेयता क्या है, इन बातों को ध्यान में रख करके शोध प्रस्तावों को तैयार करना। हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर पे आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी 600 लोगों की फरियाद, अधिकारियों को हिदायत देते हुए दिए दो टुक निर्देश, कहा प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में ना हो कोई कोताही। दिसंबर को चाकू से वार कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों मनोज और पार्वती शाहनी को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सूरज जायसवाल ने कुसमेही बाजार में किया फायरिंग, मामला खोराबार थाना क्षेत्र का, खोराबार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। फर्जी कूट रचना व धोखाधड़ी कर एफडी का बैंकिंग दस्तावेज बनाकर क्लाइंटों से पैसे ले लेने व गबन करने वाले दो अभियुक्तों योगेंद्र कुमार और संजय के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी साउथ ने दी जानकारी। शहर के विभिन्न रैन बसेरों के निरीक्षण के उपरांत सीएम योगी के दिए निर्देश के उपरांत मंगलवार को गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक, रैन बसेरों की व्यवस्था मिली चुस्त एवं दुरुस्त, जलता मिला अलाव, रैन बसेरों में रहने वाले राहगीरों ने कहा गेस्ट हाउस जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ के रैन बसेरों में। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बिक्री करने वाले गैंग के तीन अभियुक्तों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी।
दोनों पटरियों एवं बीच के डिवाइडर पर ठेले खोमचे एवं दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। ठेलों को करवाया गया जब्त, 11,200 रुपए का वसूला जुर्माना। कहा, आइंदा डिवाइडर पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, स्नातकोत्तर की कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को शोध के लिए किया जा रहा है प्रेरित, जिससे शोध संबंधी कार्यों को मिले बढ़ावा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।